तो गाइज हर किसी का ना डिवाइस अलग होता है, हर किसी का खेलने का तरीका अलग होता है, और ऐसे में अगर आप किसी और की सेंसिटिविटी कॉपी करोगे ना तो जरूरी नहीं है कि वो सेंसिटिविटी जैसा उसके लिए वर्क कर रही है वैसा आपके लिए भी वर्क करे। तो ऐसे में आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी बनानी बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी खुद की बनाई हुई सेंसिटिविटी से ज्यादा अच्छा एम कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हो, इवन आप लोगों का ओवरऑल गेम प्ले इंप्रूव हो जाता है अगर आप खुद की सेंसिटिविटी बनाते हो। तो सो आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपनी खुद की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो, और हमें बाकी लोगों की तरह आप लोगों को फालतू की चीजें नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे ना पूरी तो आपको किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टच वालों की, लाइक जो जायरोस्कोप यूज नहीं करते, अपने थंब से खेलते हैं। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ्री लुक सेंसिटिविटी। ये क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो आई बटन है ये आपका लेफ्ट या राइट आप यूज करते होगे, मैं अभी सेंटर पे यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप आई बटन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट या राइट घुमाते हो, जैसे कि अभी बिल्कुल भी नहीं घूम रहा क्योंकि मैंने जीरो कर दी है, इसको कहते हैं हम फ्री लुक सेंसिटिविटी। अभी मैं इसको 20/68 करता हूँ, अभी देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ तो बहुत कम घूम रहा है। मैं इसको 400 पे खेलता हूँ बिकॉज मैं इसमें कम्फर्टेबल। उसके बाद आती है हिप सेंसिटिविटी। हिप सेंसिटिविटी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है। जैसे कि आप नॉर्मल थंब से स्क्रीन घुमाते हैं, देखो अभी बिल्कुल भी नहीं घूम रही, ये होती है हिप सेंसिटिविटी। अगर आप थंब से स्क्रीन मूव करते हैं, ये मैं जायरो से मूव कर रहा हूँ, अब मैं थंब से मूव कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही, इसको कहते हैं हिप सेंसिटिविटी। इसको ही मैं फुल रखूँ, आप कैसे कंफर्टेबल हो चेक करने के लिए आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप सीधा जा रहे हो और आपके पीछे से एनिमी आपको मार रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत जंप करके पीछे घूमो। अगर आप एग्जैक्ट पीछे घूम रहे हो तो समझ जाना कि आपकी सेंसिटिविटी परफेक्ट है। अगर ज्यादा ही लेफ्ट घूम जा रहे हो तो आपको थोड़ा कम करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे पीछे घूमा और एग्जैक्ट मैं परफेक्ट पीछे देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सेंसिटिविटी कम करने की जरूरत है। सो ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि आपकी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आती है आयरन साइट लुक सेंसिटिविटी। आयरन साइट सबसे पहले जान लो क्या होता है। अगर आपके पास गन है उसमें स्कोप नहीं है, जैसे कि मैं स्कोप हटा देता हूँ, फिर मैंने स्कोप ऑन किया, इसको हम कहते हैं आयरन साइट सेंसिटिविटी। उसके बाद हम थंब से जो ये स्क्रीन मूव कर रहे हैं इसको कहते हैं आयरन साइट लुक सेंसिटिविटी। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो देखो रखने के बाद बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, समझ रहे हो, मैं स्क्रीन हिला रहा हूँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे तो मूव होने लगेगा, ये देखो बहुत स्लो मूव हो रहा है, और अगर हम इसको फुल करते हैं काफी स्पीड में मूव होगा। इसको कहते हैं आयरन साइट लुक सेंसिटिविटी। फिर आता है आयरन साइट फायर सेंसिटिविटी। ये होती है कि आप फायर करते वक्त जो मूव करते हो, लुक हो गई आप नॉर्मल मूव कर रहे हो थंब से, और फायर सेंसिटिविटी हो गई आप फायर करते हुए मूव करते हो, ये मूवमेंट, समझ रहे हो। के लिए अगर आप इसको जीरो कर देते हो आयरन साइट फायर सेंसिटिविटी को तो बिल्कुल भी आप मूव नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, वो सीधा फायर होगा। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं 400 खेलता हूँ। ऐसी सेम 1x के लिए भी लुक सेंसिटिविटी है कि अगर आपके पास 1x है, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ और ये मैं देखते हुए स्कोप ऑन करके मूव कर रहा हूँ, ये हो गई लुक सेंसिटिविटी। और यहाँ पे जो है 1x फायर सेंसिटिविटी, ये भी सेम है कि 1x लगाने के बाद जो मैं फायर करते हुए मूव कर रहा हूँ, ये मूवमेंट, फायर करते हुए मूवमेंट जो हो रही है इसको हम कहते हैं 1x फायर सेंसिटिविटी। ऐसे हर एक स्कोप का आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, सेम चीज है, फायर सेंसिटिविटी लुक सेंसिटिविटी सब का आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब आते हैं जायरोस्कोप पे। जायरोस्कोप पे जो है हिप सेंसिटिविटी, ये क्या होती है उसको जानने के लिए हम इसको करेंगे जीरो। अभी हम चलेंगे आयरन साइट पे। अभी देखो मैं थंब से हिला पा रहा हूँ बट अभी मैं जायरो से नहीं हिला पा रहा हूँ, जबकि मैं पूरा मोबाइल हिला रहा हूँ बट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही बिकॉज इसको मैंने जीरो कर दिया है। अब इसको हम 72 करते हैं। अभी देखो मैं पूरा मोबाइल हिला रहा हूँ बट बहुत थोड़ा मूवमेंट हो रही है, ऐसे में आप एनमी को ट्रैक नहीं कर पाओगे। सो इसको मैं फुल रखता हूँ ताकि एनमी को ट्रैक कर पाऊँ, तो इससे आप बहुत जल्दी मूवमेंट कर पाओगे। उसके बाद आता है आयरन साइट लुक सेंसिटिविटी। ये क्या होती है मैं अभी आपको जीरो करके दिखाता हूँ। ये होती है आयरन साइट, जैसे कि आपकी गन पे स्कोप नहीं है, ठीक, अब आप जो देखते हो ये मैं थंब से तो मूव कर पा रहा हूँ बट जायरो से बिल्कुल भी मूव, जैसे मैं अभी पूरा मोबाइल को मूव कर रहा हूँ बट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इसको हम थोड़ा 220 करते हैं। अभी देखो मैं मोबाइल ले आ रहा हूँ तो मूवमेंट हो रही है। इसको मैं फुल रखता हूँ ताकि एनिमी को ट्रैक कर पाऊँ, ट्रेस कर पाऊँ जितना अच्छे से हो सके। उसके बाद आती है आयरन साइट फायर सेंसिटिविटी, सेम यही चीज़ है, फायर करते हुए आपको मूव कर रहे हो, ये फायर करते हुए जो आप स्क्रीन हिला रहे हो जायरोस्कोप से, टच से नहीं, याद रखना ये जायरोस्कोप का मैं बता रहा हूँ। सो आप फायर करते हुए जो मूव कर रहे हो जायरोस्कोप से, ये होती है आयरन साइट फायर सेंसिटिविटी जायरोस्कोप में। उसके बाद आता है 1x सेंसिटिविटी। ये भी सेम चीजें हैं गाइज, बस उसमें फर्क ये है कि वो थंब से था, ये जायरो से है। लुक सेंसिटिविटी आपको पता है, नॉर्मल देखने वाली सेंसिटिविटी, एंड फायर सेंसिटिविटी फायर करते हुए जो सेंसिटिविटी सेट करते हैं। तो ये सेटिंग्स यूज करके, ये ट्रिक यूज करके आप अपनी खुद की वन ऑफ द बेस्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। और हाँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो दिन भर बोलते रहते हैं भाई मेरी सेंसिटिविटी खराब है अपनी सेंसिटिविटी बता दे, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करो ताकि वो अपनी खुद की बेस्ट सेंसिटिविटी खुद के लिए बना सके और प्रो प्लेयर बन सके एंड इंडस्ट्री में
ई-स्पोर्ट खेल के अच्छी टीम पे जा सकें। तो ये थी गाइस मेरी सेंसिटिविटी की वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो मिलते हैं मेरे भाइयों एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।